हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर विंडोज़ 10 में आपका माइक या फिर माइक्रोफोन काम नहीं करता है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए मेरे पास में एक नोटपैड की फाइल है और उसमें मैंने यहाँ पे 6 मेथड लिखे हुए हैं। 6 तरीके से हम ट्राई करने वाले हैं अपने माइक्रोफोन को इनेबल करने के बारे में कि आखिर माइक्रोफोन का माइक काम नहीं करता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको देखिए यहाँ पे मेरे मेथड लिखे हुए हैं। ये सभी मेथड्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सेम इसी तरह से वहाँ पे लिखे हुए हैं। आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग और प्राइवेसी और टर्न ऑन माइक्रोफोन, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहीं हमारा माइक्रोफोन जो है, जो हमारा माइक लगा हुआ है वो इनेबल भी है या नहीं। कभी इनेबल हो नहीं और हम ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग के टैब के अंदर हम जाएंगे प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको यहां लेफ्ट साइड में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोफोन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। माइक्रोफोन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए ये ऑन है या फिर ऑफ है। अगर ये ऑन है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे चूज विच माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप कैन एक्सेस योर माइक्रोफोन। देखिए जो भी एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे है ऑलरेडी पहले से, अगर यहाँ पे देखिए कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसका आप यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे माइक आवाज़ को कवर नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन को इनेबल कर दीजिएगा। जिस तरह से मोबाइल में हम एप्लीकेशंस को परमिशन देते हैं, सेम यही परमिशन ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, आपको ये परमिशन अलाउ कर देनी है और इसको भी आपको अलाउ कर देना है, क्योंकि देखिए ये है अलाउ डेस्कटॉप ऐप टू एक्सेस योर माइक्रोफोन। मान लीजिए देखिए ये जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल कर रखी है, इनमें से ऐसी कोई एप्लीकेशन हो जो माइक्रोफोन का यूज़ करती हो तो यहाँ पर आपको ये परमिशन अलाउ कर देनी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब दूसरा मेथड हम जरूर देख लेते हैं, अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, साउंड एंड हार्डवेयर में जाना है और उसके पास आपका जो माइक है उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है। देखिए आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे लिखना है डिवाइस मैनेजर, सॉरी कंट्रोल पैनल। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये आपको आइकन शो होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने कैटेगरी वाइज कर रखा होगा तो इस तरह से आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है हार्डवेयर एंड साउंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे साउंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अभी मेरा कोई माइक लगा हुआ नहीं है, आपको जिस तरह से यहाँ पे देखिए स्पीकर शो हो रहा है, अगर आपने माइक लगा रखा होगा तो यहाँ पे माइक भी शो होगा। और यहाँ पे क्लिक करके उस माइक के ऊपर यहाँ पे देखिए सेट एज डिफ़ॉल्ट का एक बटन है आपका, आपको माइक को सिलेक्ट करके सेट एज डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर देना है। तीसरा मेथड देखते हैं, तीसरा हमारा मेथड है साउंड में रिकॉर्डिंग का लेबल चेक करना। देखिए उसमें के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे की तरफ आइए। ठीक है, नीचे की तरफ जो आपका ये साउंड का आपको आइकन दिखता है स्पीकर का, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक आपको राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है साउंड्स का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का टैब होगा और रिकॉर्डिंग के टैब में आपको अपना माइक्रोफोन जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी को चूज़ करना है। जैसे आप प्रॉपर्टी चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की तरफ ये टैब है, यहाँ पे लेवल का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपने माइक्रोफोन का जो लेवल है इस लेवल को चेक कर लेना है, कहीं ये नील तो नहीं हो रहा। अगर ये नील होगा तो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ मेथड, जिसमें हम डिवाइस मैनेजर के ऑडियो का ड्राइवर अपडेट करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिर पहले की तरह, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइस मैनेजर और इसके ऊपर राइट क्लिक कर देंगे। डिवाइस मैनेजर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसमें जो भी हार्डवेयर्स लगे हुए हैं वो सब हार्डवेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको ऑडियो संबंधी हार्डवेयर देखना है तो ऑडियो संबंधी हार्डवेयर के लिए देखिए सबसे ऊपर की तरफ ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट से आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसको स्क्रॉल करना है तो देखिए आपको यहाँ पे आपके हार्डवेयर जो लगे हुए हैं ऑडियो संबंधी वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको माइक्रोफोन सबसे ऊपर की तरफ शो हो रहा है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर को
क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे विंडो हैज़ डिटरमाइंड दैट द बेस्ट ड्राइवर फॉर दिस डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, आपको ड्राइवर अपडेट कर लेना है। मेरा ड्राइवर ऑलरेडी पहले से अपडेट है, और अगर आपका ड्राइवर अपडेट नहीं है तो आप ड्राइवर को अपडेट कर लीजिएगा, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको करना क्या है, आपको अपने सिस्टम की विंडो को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, विंडो 10 की हम बात कर रहे हैं ना, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपडेट अवेलेबल। अभी देखिए मेरा सिस्टम भी अपडेट के लिए बोल रहा है, बट मैंने अभी अपडेट नहीं किया है। आपको यहाँ देखिए अपडेट करने के लिए डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ये अपडेट हो जाएगा आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करना है। ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद आप चेक करेंगे तो आई होप कि आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो सिक्स मेथड है वो है अनइंस्टॉल डिवाइस। अनइंस्टॉल डिवाइस का मतलब जो हमारे सिस्टम में जो हमारे हार्डवेयर्स लगे हुए हैं ऑडियो संबंधी, तो उनको हमें एक बार अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जैसे आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो जो डिवाइस है आपके वो फिर से दोबारा फ्रेश रूप में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे डिवाइस मैनेजर लिखना है। डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये ऑडियो का इनपुट और आउटपुट्स है, ये माइक्रोफोन है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल डिवाइस के ऊपर क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर देना है और सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो आई होप कि आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको 6 मेथड बताए हैं आपके माइक्रोफोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आई होप कि वीडियो में जो भी मेथड मैंने आपको बताए हैं इसका कोई ना कोई मेथड आपके लिए काम कर ही जाएगा। आपके लिए कौन से मेथड ने काम किया है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।